हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं विक्रम, पीजीटी कॉमर्स, स्वागत करता हूँ आपका अपनी अकाउंटेंसी क्लास में। बेटा, जैसे कि आपको पता ही, हम चैप्टर नंबर 5th कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए थे वो टॉपिक कुछ इस प्रकार से थे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके थे और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि CBSE ने जो है हमारे सिलेबस से कुछ पोर्शन डिलीट किए हैं, चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं। जैसे कि हमें पता था कि हमें करने थे इस चैप्टर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, और उसमें भी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ डेथ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द टाइम बेसिस एंड ऑन द टर्नओवर बेसिस, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड ओपनिंग एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड प्रिपेयरिंग एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो अब जो है हम लोग अपने जो डिलीटेड सिलेबस का पोर्शन है उसको छोड़कर बाकी का पोर्शन हम लोग करेंगे। अब हमारे सिलेबस से डिलीट हुआ क्या है, देखिए बेटा, एक तो एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन, ये दो टॉपिक हमारे सिलेबस से जो है डिलीट हो चुके हैं। और डेथ ऑफ पार्टनर में यदि मैं बात करूँ तो कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल की कैलकुलेशन, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, ये टॉपिक हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। लेकिन इवन दो फिर भी मैं इनके क्वेश्चन जो है आपको बाकी टॉपिक कराने के बाद एक बार जरूर कराऊंगा, ताकि आपको ये आगे फर्दर स्टडी के लिए हेल्पफुल हो सके। आइए, मैंने आपको लास्ट टाइम जो है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 35 तक करने दिए थे, तो उसी में से मैं क्वेश्चन नंबर 35 करवा देता हूँ और फिर हम चलते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, समीर, यास्मीन, सलोनी, ये पार्टनर हैं तीन, और इनका लाभ हानि अनुपात दे रखा है बेटा 4-3-3। क्वेश्चन नंबर 35 मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। समीर, यास्मीन एंड सलोनी, ये तीन पार्टनर हैं, 4:3:3 में लाभानी बांटते हुए। पेज नंबर है 5.117। आगे लिखा है देयर बैलेंस शीट एज अंडर, उनकी बैलेंस शीट जो है वो इस प्रकार से दी गई है हमें। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर, जर्नल रिजर्व, कैपिटल्स, एसेट साइड कैश, डेटर लेस प्रोविजन, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। देखा जाए तो लाइबिलिटीज में जर्नल रिजर्व और एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा जो है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के पार्ट है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑन द अबाउट डेट समीर रिटायर्ड एंड इट वॉज एग्रीड, समीर जो है वो रिटायर्ड हुआ है, और क्या एग्रीमेंट हुआ उनके बीच में, डेटर्स ₹4,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड डेट्स विल बी मेंटेन्ड, एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 विल बी रिकॉर्डेड, पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ एंड 5% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक, मशीन एंड बिल्डिंग, यास्मीन एंड सलोनी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, यास्मीन एंड सलोनी का फ्यूचर प्रॉफिट दिया है हमें, दैट इज 3:2, ये हुआ टोटल 10, ये हुए टोटल 5। आगे दिया है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन समीर्स रिटायरमेंट वाज वैल्यूड ₹5,40,000, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन समीर्स रिटायरमेंट, तो हमारे को जो है जर्नल एंट्री इसमें पास करनी है। आइए देखते हैं किस तरीके से जर्नल एंट्री पास की जाएंगी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जैसे पहले बता ही दिया था, ये सॉल्यूशन आप लोगों के सामने मैंने किया है। इसका देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से किया। बेटा समीर, यास्मीन और सोनी तीन पार्टनर है, 4-3-3 में दावाने बांटते हुए पार्टनर है। उनका नया रेशो दिया है 3-2, ठीक है। और क्वेश्चन में जैसे कि आपको पता ही है हमें क्या क्या गिवन था। क्वेश्चन में गिवन था बेटा जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने इन दोनों की एक एंट्री पास कर दी। और ये एंट्री हम किस रेशो में करते हैं बेटा, ओल्ड रेशो में पास करते हैं। इसके बाद जैसे कि बताया था कि जो बैड डेट्स हुए हैं वो 4000 रुपये के हुए हैं, तो ये हमने वर्किंग नोट बनाया बेटा बैड डेट्स के लिए। टोटल डेटर्स हमारे पास 90,000 के थे, उनमें से बैड डेट्स हमने 4000 रुपये के माइनस कर दिए, तो उसकी एक एंट्री हमने यहाँ पास की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्योंकि बुक में 10,000 रुपये के हमारे को जो है ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखे थे, 10,000 में से 4,000 गए, तो हमारे पास प्रोविजन बचता है बेटा 6,000 रुपये का। और नया प्रोविजन हमने जो मेंटेन किया 5%, वो किस तरीके से बना, वो 90,000 में से 4,000 गए तो हमारे पास बचा 86,000, उसके ऊपर 5% 4,300 रुपये का हमने जो है नया प्रोविजन मेंटेन किया, जबकि मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन है कितने रुपये का, 6,000 रुपये का। तो 1,700 रुपये जो एक्स्ट्रा प्रोविजन बचा उसको हमने उठाकर रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो टोटल हमने कितना प्रोविजन यूज किया 10,000 रुपये में से बेटा, 10,000 में से 4,000 तो यहाँ यूज किए, और टोटल जो है 4,300 हमने यहाँ यूज किए, तो जो मेरे पास यूज हुए वो हुए 8,300 रुपये। जो एक्स्ट्रा बचा 1,700 रुपये का उसको उठाकर मैंने किसमें डाल दिया, रिवॉल्यूशन अकाउंट में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा था। तो हमने एंट्री कर दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। बैड डेट्स में 4,000 हमने डाल दिए, रिवॉल्यूशन में 1,700 रुपये एक्स्ट्रा के हमने डाल दिए, और प्रोविजन को हमने यूज़ किया 5,700 रुपये का। तो जो बचा हुआ बैलेंस है वो हम बैलेंस शीट में से माइनस करके दिखा देंगे। नेक्स्ट बेटा हमने बात की अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे हमारे पास, जिसकी हमने रिवॉल्यूशन से एंट्री कर दी, क्योंकि रिकॉर्ड करने पड़ेंगे तो लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, और 20,000 से हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट है मेरे पास इसमें बेटा एक पेटेंट्स के बारे में बात कही थी कि पेटेंट जो है वो कम्प्लीटली जीरो हो गए, कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ करने हैं, तो हमने कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि एसेट्स थी, क्रेडिट करने से ये जो है घट जाती है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स 60,000। इसके बाद आगे गुडविल की वैल्यूएशन हमें दे रखी थी बेटा, लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन से पहले मैंने आपको बताया कि आप रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट एंड लॉस को निकाल कर बांट देंगे। तो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं चेक करूं तो देखिए रिवॉल्यूशन यहां पर जो है मेरे पास क्रेडिट है 1,700 रुपये से, यहां पर डेबिट है 20,000 रुपये से, यहां डेबिट है 60,000 रुपये से, तो 60 और 20 80,000 से डेबिट है, और 30,000 से यहाँ पर डेबिट है। टोटल 1,10,000 से डेबिट है, हमने यहाँ वर्किंग नोट बनाया, रिवॉल्यूशन का डेबिट बैलेंस है 1,10,000 रुपये, और क्रेडिट बैलेंस मेरे पास केवल कितने रुपये है बेटा, 1,700 रुपये का। तो हमने 1,700 माइनस कर दिया, तो मेरे पास लॉस आ गया 1,08,300 रुपये का, और उस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया समीर डेबिट, यास्मीन डेबिट, सलोनी डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, और ये हमने अमाउंट इनमें 4-3-3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए लिख दी। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे गुडविल की। गुडविल हमें दी गई थी बेटा 5,40,000 रुपये पूरी फर्म की, यहाँ वर्किंग नोट आप देख सकते हैं। इसमें अगर मैं समीर के हिस्से को चेक करूँ तो समीर का हिस्सा बनता 4/10, जो कि बनता 2,16,000 रुपये। और क्योंकि हमें पता है गुडविल की एंट्री किस में करते हैं बेटा, हम लोग गुडविल की एंट्री हम लोग करते हैं गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस में, तो यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशो जब निकालते हैं तो 4-3-3 ये ओल्ड रेशो है, ये इनका 3-2 नया रेशो था, मैंने बेस बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये आ गया 6:4, टोटल 10। अब 10 रुपये में से ये 4 रुपये लेता था और इसने सारा ही सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि ये रिटायर हो रहा है। अब 10 रुपये में से ये 3 रुपये लेता था, आज 6 रुपये लेगा, तो ये 3/10 गेन करेंगे। ये 10 में से 3 लेता था, आज 4 लेगा, तो 1/10 गेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब गेनिंग रेशो हमारे पास कितना आ गया, 3:1। तो हम यहाँ लिख देंगे गेनिंग रेशो जो है हमारे पास वो कितना है, 3:1। और इस गेनिंग रेशो में हम क्या करने वाले हैं, इस गुडविल के शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो इस गुडविल के शेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटा, गेनिंग पार्टनर डेबिट, यस्मिन डेबिट, सलोनी डेबिट टू समीर कैपिटल अकाउंट 2,16,000, और डिस्ट्रीब्यूट करने पर अमाउंट आई 1,62,054 रुपये। आई होप इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट की जो एंट्री मैंने की है बेटा वो क्या एंट्री की है, देखिए समीर की जो है कैपिटल हमें दे रखी थी बेटा बुक में 3,00,000 रुपये, प्लस में समीर के अकाउंट में जो जो क्रेडिट हुए वो जो हम प्लस कर देंगे। क्रेडिट क्या क्या हुआ जरा देखते हैं, यहाँ से 2,16,000 ये क्रेडिट हुए, तो 3,00,000 में 2,16,000 जोड़ देते हैं तो 5,16,000 रुपये। और इसके अलावा क्रेडिट क्या हुए हैं, यहाँ पर डेबिट हुए हैं, यहाँ पर डेबिट हुए हैं, और ये क्रेडिट हुए हैं, तो यहाँ क्रेडिट हुए हैं 24,000 रुपये, तो 5,16+24 5,40,000 रुपये, 5,40,000 रुपये उनके अकाउंट में क्या हुए हैं बेटा, क्रेडिट हुए हैं। कैसे हुए हैं जरा देखते हैं, 3,00,000 तो एक हुए हैं, 2,16,000 ये, 5,16,000
और यहाँ से बात करें तो ये क्रेडिट हुआ है 24,000 रुपये का, तो 5,40,000 क्रेडिट हुए हैं। अब डेबिट क्या हुआ है वो देख लेते हैं। डेबिट में बेटा 20,000 तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है और 43,320 ये 20 और 43 से ये हो गए बेटा 63,320, तो ये बच गए 680, तो एक बच गए जीरो, ये हो गए जीरो, जीरो नहीं बचे, ये बच गए हमारे पास 9 में से 3 गए 6, 13 में से 6 गए 7, 4,76,680 रुपये जो कि हमने यहाँ लोन में ट्रांसफ़र कर देने हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। आइए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, और उसके बाद चलेंगे हम अपने एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के एक क्वेश्चन पर, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो मैं केवल इसका आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, और उसके बाद हम चल पड़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि रहेगा डेथ ऑफ ए पार्टनर का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बेटा दो पार्ट हैं, मैं 37 का बी पार्ट आप लोगों को करवा रहा हूँ, 37 बी पार्ट, पेज नंबर है हमारा 5.119। क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, तो उनकी कैपिटल है बेटा 2,00,000, 2,00,000, 1,00,000, तो ए बी सी का रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। ए बी सी कैपिटल है 2,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये और 1,00,000 रुपये, तो रेशियो अगर हम निकालें तो 0 से 0 काट दें, ये आ गया 2:1। बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2020 को, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स कैपिटल ए बी सी की, रिजर्व फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और एसेट्स में दिया है बेटा बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ए रिटायर्ड ऑन दिस डेट, ए ने रिटायरमेंट ले ली, ये मैं सर्कल लगा देता हूँ उसके ऊपर, ये रिटायर्ड पार्टनर है हमारा। आगे दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर अंडर वैल्यूड बाय ₹4,000, 4,000 से कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कम कर देंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू। एन अमाउंट ऑफ ₹1,200 ड्यू फ्रॉम मिस्टर अरुण, ए डेटर हु वाज डाउटफुल, एंड ए प्रोविजन फॉर द सेम इज रिक्वायर्ड, ₹1,200 जो हमने अरुण से लेने थे अब वो डाउटफुल में है, तो इसके लिए हमें प्रोविजन बनाना है, बना देंगे प्रोविजन। स्टॉक बी वैल्यू डेटर 90%, तो 10% से स्टॉक भी हमारा जो है डिक्रीज हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000, 60,000 की गुडविल वैल्यूड हुई है, तो उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर अच्छा शेयर निकालेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ₹1,00,000 भी ट्रांसफर टू एज लोन अकाउंट बियरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एंड बैलेंस भी पेड थ्रू बैंक एंड बैंक ओवरड्राफ्ट टू बी अरेंज्ड इफ रिक्वायर्ड। ₹1,00,000 हमने ए को जो है लोन में डाल देने हैं, 10% का इंटरेस्ट वो जो है उसके ऊपर लेगा, और बाकी का पैसा हम उसे बैंक से पेड करने वाले हैं, अगर अमाउंट की रिक्वायरमेंट रही तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट करेंगे। बी और सी का जो फ्यूचर प्रॉफिट दिया 5:3, बी और सी का फ्यूचर प्रॉफिट दिया है 5:3, तो ये टोटल हुआ बेटा 5 और ये टोटल हुआ बेटा 8, ये तो हुआ इनका ओल्ड रेशियो और ये हुआ इनका न्यू रेशियो। आगे चलते हैं, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ फर्म आफ्टर एज रिटायरमेंट, नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं और आपको एक ही रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट बनानी है। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम ये तीन फॉर्मेट बैलेंस में बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। तो सबसे पहला पॉइंट था फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर अंडर वैल्यूड बाय 4,000, इसका कहने का मतलब है बेटा फर्नीचर एंड फिटिंग हमारे पास 40,000 रुपये दिखा रखे हैं और 4,000 रुपये से कम पाए गए, यानी कि 4,000 रुपये हमने इनको कम दिखा रखा, दीज आर अंडर वैल्यूड बाय, तो 4,000 से कम है तो हम इनको इंक्रीज कर लेंगे बाय फर्नीचर एंड फिटिंग्स, 4,000 रुपये से हम इसको इंक्रीज करके दिखा देंगे यहाँ पर, 4,000 रुपये से हमारे इंक्रीज हो गए, ये कम दिखा रखे थे। नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ ₹1,200 ड्यू फ्रॉम मिस्टर अरुण, ए डेटर वाज डाउटफुल डेट, अब 12,000 रुपये के डेटर्स डाउटफुल हैं तो उनके ऊपर प्रोविजन बनाना है, तो यहाँ बना दीजिएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 12,000 का प्रोविजन हम यहाँ मेंटेन कर लेंगे। साथ ही लिखा था स्टॉक बी वैल्यूड एट 90%, इसका मतलब 10% से रिड्यूस हुआ है,
और स्टॉक था 3 लाख रुपए का, तो रिड्यूस कर दीजिए इसको टू स्टॉक अकाउंट 30,000 रुपए से ये रिड्यूस हो गया। टोटल अगर देखें तो ये बनता है बेटा 42,000, 4,000 अगर माइनस कर दें तो मेरे पास बचते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग लॉस कितना रुपए का, 38,000 का। और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए में, बी में और सी में, उनके ओल्ड रेशो में 2, 2 और 1, 2, 2, 4 और 1, 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 5, 7, 35, 5, 6, 30, 7,600, 2, 0, 2, 0, 2, 6, 12, 2, 7, 14, 1, 15,200 और 15,200, टोटल मिलाकर हमारे पास आ जाएंगे 15, 15, 30 और 37, 37 और 1, 38,000 रुपये। आई होप आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर चले तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस, तो लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अगर कैपिटल का बैलेंस देखें तो कितना था बेटा, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये और ये 1 लाख रुपये। अब बैलेंस शीट में देखिए कोई प्रॉफिट और लॉस तो नहीं है हमारे पास, अगर हो तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हमारे पास गिवन था बेटा इसके अंदर रिजर्व फंड 40,000 रुपये के, तो रिजर्व फंड अगर 40,000 रुपये का, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए यहाँ पर बाय रिजर्व फंड के नाम से, और 40,000 रुपये बढ़ जाएंगे 2, 2, 1 में ही, 2, 2, 4 और 1, 5, 5, 8, 40, 16,000 यहाँ आ जाएंगे, 16,000 यहाँ आ जाएंगे और 8,000 रुपये इनके खाते में आ जाएंगे। और इसके अलावा बैलेंस शीट में मुझे कुछ गिवन नहीं है। बाहर चलते हैं, बाहर अगर देखा जाए तो पहली एंट्री हमने कर ली फर्नीचर फिटिंग की, दूसरी हमने कर ली, तीसरी हमने कर ली, चौथी है गुडविल। अब गुडविल की एंट्री करने से पहले मैं एक बार ये जो है लॉस लिख देता हूँ रिवैल्यूएशन का, ताकि हम इसको भूलें ना। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस आ गया पार्टनर्स का लॉस, और लॉस कितना कितना है, 15,200 रुपये का, 15,200 रुपये का और 7,600 रुपये का। और अब आखिरी पॉइंट जो हमें दिया वो क्या है, गुडविल का। गुडविल है बेटा 60,000 रुपये, 60,000 की गुडविल जो है हम लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा बेटा, हमारे पास ओल्ड रेशियो भी दिया है और हमें न्यू रेशियो भी दिया है। अगर मैं इनके बेस को इक्वल करूं तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो मुझे दिया है ए का, बी का, सी का 2:1 और ये दिया है 5:3। टोटल ये बनते हैं 5, ये बनते हैं 8, बेस बराबर करता हूँ तो इसको 8 से और इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई कराऊँ तो बेस इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा ओल्ड रेशो क्या बनेगा, ये बनेगा 16:16:8=40 और न्यू रेशो क्या बनेगा हमारा, दैट इज़ ये डैश 5, 5, 25 और ये 15, 40। चलिए लिख लीजिए, ये जो है 40 रुपये में से मिस्टर ए वो 16 रुपये लेते थे, आज 16 के 16 उन्होंने सैक्रीफाइस कर दिए क्योंकि ये छोड़ कर जा रहे हैं फर्म को। और यहाँ पर ये 16 रुपये, बी जो हैं 16 रुपये लेते थे, आज 25 रुपये ले रहे हैं, तो 15 में से 6 गए 9/40, ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है सी वो 8 रुपये लेते थे, आज 15 रुपये लेते हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, 7/40 गेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास गेनिंग रेशो क्या निकल कर आया, दैट इज़ 9:7। तो इस रेशो में हम गुडविल की अमाउंट, जो कि एक ही रिटायरमेंट की गुडविल की अमाउंट बनती है, उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब एक ही जो गुडविल है मेरे पास वो है टोटल जो गुडविल है फर्म की वो है 60,000 रुपये और ए का शेयर था 2/5, तो 2/5 अगर मैं निकालता हूँ तो 12, 15, 60, 12, 24,000 रुपये गुडविल बनती है। 24,000 गुडविल को 9:7 में हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहाँ एंट्री आ जाएगी बाय, क्योंकि ए सैक्रीफाइसिंग है तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ये गेनिंग पार्टनर थे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में आप डाल देंगे गुडविल, ये गुडविल की अमाउंट है। और यहाँ लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट
गुडविल शेयर हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 24,000 को 9:7 में बांटिए, 9 और 7 16। 24,000 को यदि मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता, ज़रा देखते हैं। 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 0, 2 से फिर काट दीजिए 1500। तो 1500 × 9 और 1500 × 7, 15 × 9 = 135। तो 135 यानी कि 13,500 तो ये देंगे, और 15 × 7 = 105, 10,500 ये देंगे। टोटल इधर आ जाए तो ए के अकाउंट से निकल जाएंगे और बी के अकाउंट में ले देंगे 13,500 और 10,500। ये हमने कर ली बेटा गुडविल की एंट्री। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा। आगे लिखा है कि ₹1,00,000 टू बी ट्रांसफर टू एज लोन अकाउंट बियरिंग इंटरेस्ट 10% एंड बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक। तो 1,00,000 रुपये तो हमें जो है क्या करने हैं, लोन में डालने। तो यहाँ लिख दीजिएगा एज लोन अकाउंट, ये तो सीधा सीधा अमाउंट हो गया। 1,00,000 रुपये हमने इसके लोन में डालने हैं और इसके ऊपर जो है बियरिंग इंटरेस्ट कितना है, एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। तो ये जब हम लोन अकाउंट बनाएंगे तब देखेंगे कैसे बनता है। उसके बाद कहता है कि जो बाकी का पैसा वो पेड कर दीजिए, अगर ओवरड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट पड़े तो वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले हम ए का ही जो है हिसाब करते हैं, चलिए ए के हिसाब पर चलते हैं, टोटल कर लेते हैं। ये बनते हैं 1,08,000, ये बनते हैं 2,16,000, ये बनते हैं मेरे पास 2,16,000 और 24, 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये। इसमें से हमने क्या किया बेटा, 1,00,000 तो लोन में डाल दिया, 15,200 पहले ही कम हो रहे हैं। तो 2,40 में से एक गए तो 1,40, 1,40 में से 15 गए तो 1,25, 1,24, 800, 1,24, 800 जोड़ करके भी देख लें। 8, 2, 10 की 0, 4 और 5 9 और 1 10 की 0 2, और 1 3 और 1 4, 1 1 2, 1,24,800 ये हम इसको बेटा क्या कर रहे हैं, बैंक से पेड कर रहे हैं। तो टू बैंक अकाउंट हमने पेड कर दिया और बदले में क्या ले लिया, ओवरड्राफ्ट, यानी कि एक ओवरड्राफ्ट हम क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो ये 2,16 बनते थे, तो 2,16 और यहाँ से हम माइनस कर देंगे 13 और 15, ये हो गए 28,700, तो ये जो यहाँ डैश लगा दीजिए 300, 29,000 में कितने जोड़ दूँ कि 6,36, 36 का 6 का 3, 3 में 8 जोड़ दूँ, 3 और 8 11 और 1, 1,87,300। तो इनके बैलेंस एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 1,87,300 रुपये बिल्कुल सही है। आगे चलिएगा, आगे है मेरे पास यहाँ पर 1,08,000 और इसमें से माइनस करिएगा 10 और 7 17 और 1,18,100, 18,100 में 900 जोड़ दूँ तो ये हो गए 19 में जोड़ देता हूँ कितने कि 8 आ जाए, 19 में 9 जोड़ देता हूँ, 19 और 9 28, 28 में 8 और जोड़ दूँ तो ये हो गया 89,900 रुपये बिल्कुल सही है। ये बन जाएंगे बेटा इनके टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इसको बैंक से जो पेमेंट किया 1,24,800 रुपये, तो उसमें अगर हम देखें तो मेरे पास बैंक में पहले से पड़े हैं 44,800 रुपये। तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट की यदि कैलकुलेशन करें कितना बैंक ओवरड्राफ्ट हमें लेना पड़ेगा, तो देखिए अमाउंट पेबल टू ए वो है हमारी 1,24,800 रुपये, माइनस कर देंगे अवेलेबल बैंक बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस इन बैंक जो कि है 44,800 रुपये का हमारे पास अवेलेबल बैलेंस, तो ये माइनस हो जाएगा तो मेरे पास बचे बेटा 80,000 रुपये, तो रिक्वायर्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। इन्होंने कहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट ले लें, तो रिक्वायर्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट, इतने का हम बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी बेटा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लिख देते हैं 80,000 रुपये का। बताइए ये पॉइंट आपको समझ में आया।
चलिए पॉइंट समझ में आया तो बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट पर, बैलेंस शीट में सबसे पहला बैलेंस तो बैंक था, एसेट साइड में तो ख़त्म हो गया, सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं तो सन्ड्री डेटर्स आप यहाँ लिख लेंगे। सन्ड्री डेटर्स हैं 172,000 रुपये के, जिनमें से माइनस कर देंगे बेटा प्रोविजन, हमने मेंटेन किया था 12,000 रुपये का, हमारे पास बच जाएंगे 160,000 रुपये। नेक्स्ट है स्टॉक, 3 लाख का था वो रिड्यूस हुआ है 30,000 से, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा स्टॉक 270,000 रुपये का। कैसे आया, 3 लाख माइनस में 30,000 रुपये जो रिड्यूस हुए। आगे हमारे को दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन के अंदर फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स आप यहाँ लिख लें, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये बेटा अंडर वैल्यूड कर रखे थे और हमने इनको क्या किया था, इंक्रीज़ किया था 4,000 रुपये से, तो 46 थे, 4 हमने प्लस कर दिए, तो 46,000 में 4,000 आप जोड़ कर लिखेंगे तो टोटल हो जाएंगे ये 50,000 रुपये। चलिए आगे चलते हैं, और इधर हमारे पास इस असेट साइड में कुछ दिया नहीं है, इधर आइए लाइबिलिटी साइड में, तो हमने सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया। आगे लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरे पास गिवन है बेटा 20,000 के, और इनमें कोई चेंज नहीं था तो ये एज इट इज़ 20 के 20 रह जाएंगे हमारे पास। उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी गिवन है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हम यहाँ लिख देते हैं, जो कि 2800 रुपये के हैं, उनमें भी कोई चेंज नहीं था। और बाहर जो है हमें दिया था कि 1,00,000 रुपये लोन में ट्रांसफ़र करने हैं, ए के अकाउंट से लोन में ट्रांसफ़र करने हैं 1,00,000 रुपये, तो ये भी ट्रांसफ़र कर दें एज लोन अकाउंट एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पर है ये 1,00,000 रुपये का लोन अकाउंट। और बाकी बची कैपिटल, तो हम इसकी कैपिटल लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल किसकी बच गई हमारे पास बी की और सी की, जो कि हमने कैलकुलेट की है यहाँ पर 1,87,300 और 89,900, 1,87,300 और 89,900 जोड़कर लिखें 0,09,312, 9,716,117 का 7 का हासिल 1, 8,816,117 का हासिल 1, 1 और 1 2, तो इनको जो है टोटल कर दीजिए आप, और टोटल करने पर चेक कर लीजिए क्या हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। टोटल अगर हम करें तो देखिए क्या बनते हैं, 3,00,080,002, ये हो गया 10 का हासिल 1, 1, 2 और 1 3, 3, 3 और 7 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18 का 8 का हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4,80,000 रुपये बनते हैं इधर। इधर देखते हैं कितना बनता बेटा, ये बना मेरे पास अमाउंट में 2,70 और 1,60, 3,00,030,000, 4,30 और 50, 4,80,000 रुपये। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का बी पार्ट। आइए इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, छोटा सा ही क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, उसको देखने के बाद हम चलते हैं। एक क्वेश्चन है जो रिलेटेड रहेगा हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से, हालांकि ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसका एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ताकि एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन आपको फ्यूचर में कभी करनी पड़े, यानी बीकॉम क्लासेज में, सीनियर क्लासेज में आप जाएँ, तो वहाँ आप उसको अच्छे से समझ सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर है 5.121। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आनंद बिहारी एंड सिविन आर इक्वल पार्टनर्स, आनंद बिहारी एंड सिविन ये इक्वल पार्टनर्स दिए हैं बेटा, और लिखा है बिहारी रिटायर्स एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 40,000। बिहारी जो है वो रिटायर हुए हैं और इनकी कैपिटल प्लस गुडविल शेयर दोनों मिलाकर हम 40,000 रुपये इनका जो है अमाउंट बनता है, जो कि इनको देने की सोच रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, ही इज पेड इन काइंड एंड व्हीकल वैल्यूड एट 20,000 विच इज़ अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। हम इनको एक व्हीकल प्रोवाइड करेंगे, इनको पेमेंट कैसे कर रहे हैं, बाय गिविंग अ व्हीकल, कितने रुपए का है वो,
20,000 रुपये का, और ये अनरिकॉर्डेड भी है बेटा, ये क्या है अनरिकॉर्डेड। तो अनरिकॉर्डेड है तो सीधी सी बात है किसी को व्हीकल देने से पहले हमें उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी और उसमें होने वाले प्रॉफिट लॉस का भी शेयर जो है उस पार्टनर को देना पड़ेगा, उसके बाद वो पार्टनर इस व्हीकल को ले सकता है। यस, मैं बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही कहना चाहता हूँ कि हमें इसके लिए एक रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी और उसमें होने वाले प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। आगे लिखा है टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड बैलेंस इन कैश, हमने इसको जो व्हीकल दिया और बाकी का बचा हुआ बैलेंस कैश में देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट टू बिहारी इन द बुक्स ऑफ द फर्म, आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। चलिए देखते हैं हम इनकी जर्नल एंट्री क्या कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जर्नल एंट्रीज की ही, तो देखिए जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली जर्नल एंट्री आप जो करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, इस अनरिकॉर्डेड व्हीकल के बारे में। इसको रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करेंगे तो व्हीकल हमारी एसेट होती है तो ये इंक्रीज हो जाएगी व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये अमाउंट आ गई बेटा 20,000 रुपये, और ये 20,000 रुपये से हमने इसको क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया अनरिकॉर्डेड व्हीकल रिकॉर्डेड नाउ, अब हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब देखिए बेटा इसके ऊपर रिकॉर्डिंग पे हमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम एंट्री कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हमें केवल बिहारी की एंट्रीज करके दिखाने तो क्यों नहीं, बिहारी बिहारी का हम इसमें शेयर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इन सबको बांट देता हूँ इस प्रॉफिट को आनंद कैपिटल अकाउंट करते हुए, आनंद कैपिटल अकाउंट, बिहारीज कैपिटल अकाउंट और टू सिवेंस कैपिटल अकाउंट, ये हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब 20,000 रुपये के प्रॉफिट को रेशो दिया है इक्वल इक्वल एक एक एक, तो तीनों में बांटिए, तीन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 6,667 रुपये, 6,667 रुपये, और एक पार्टनर को 1 रुपया हम कम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि देंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, चलिए एक एंट्री अब हम जो है क्या करने वाले हैं पेमेंट ऑफ बिहारी। तो बिहारी को हमने क्या दिया है बेटा, व्हीकल दिया सबसे पहले, तो हम यहाँ लिख देंगे बिहारीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिहारीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसको जो है अमाउंट हमें देनी कितनी है बेटा, टोटल 40,000 तो ये देने हैं और साथ में 6,667 का ये प्रॉफिट आया इसके अकाउंट में, तो ये हो गया 46,667 रुपये, और इसमें से हम दे क्या रहे हैं, सबसे पहले व्हीकल दे रहे हैं, एक तो व्हीकल्स अकाउंट जो किसने लिया है कितने रुपए में 20,000 रुपये में, और बैलेंस इन कैश की बात हुई थी तो टू कैश कर देंगे, बाकी का बचा हुआ बैलेंस कैश में दे देंगे, अमाउंट आ जाएगा 26,667 रुपये, ये हो जाएगा पेमेंट मेड टू बिहारी, पेमेंट मेड टू बिहारी। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। इसमें जो मेन बात थी, विशेष बात थी, वो यही थी कि जो अनरिकॉर्डेड व्हीकल है उसकी हम ये दो एंट्री करनी है, और उसके बाद जो इसको हमने 40,000 रुपये देने थे उसमें प्लस कर देंगे जो इसके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बनता था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को जो कि बनता है 6,667 रुपये, और टोटल बनते थे इसके 46,667 रुपये, और इसकी पेमेंट जो है हम वो किस तरीके से कर रहे हैं 40,667 की, एक तो इसको दे रहे हैं व्हीकल और एक दे रहे हैं इसको कैश। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आइए चलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर। मैं फिर बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, लेकिन इसका मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ ताकि आपको एडजस्टमेंट करनी आ जाए। हालांकि इसमें कोई बड़ा मंत्र नहीं है, मैं इसको यहीं पर जो है आप लोगों को करवा देता हूँ। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सिंपल सा मतलब है, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर बच गए उनकी कैपिटल को नए रेशो में एडजस्ट करना, या तो उसके लिए हमें मिलेगा कि नई फर्म की कैपिटल फिक्स कर दी जाएगी और उसको नए रेशो में बंटवा कर ब्रिंगिंग इन और टेकिंग आउट का जो है कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि भाई पुराने पार्टनर जो बचे हुए थे उनकी कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी बनती है और नई कैपिटल के हिसाब से कितनी कैपिटल बनती है, वो जो भी लाएंगे ले जाएंगे हम उसकी एंट्री कर देंगे। अदरवाइज जो भी जैसी भी कंडीशन हमें देगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। आइए एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों को करवा रहा हूँ 44, क्वेश्चन नंबर 44।
देखिएगा, पेज नंबर हमारा रहेगा 5.123। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए समझिएगा। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3-2-1 में लाभ हानि बांटते हुए पार्टनर है, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड जो लाभ हानि बांटते हुए पार्टनर है उनका रेशो कितना दिया है हमारे को, 3-2-1। तो 3:2:1 में ये लाभ हानि बांटते हुए पार्टनर है। आगे चलिए, ऑन अप्रैल 1st 2018 एक्स रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म। 1 अप्रैल 2018 को एक्स क्या हुआ, रिटायर हुआ है, और वाई और जेड एग्रीड दैट कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शैल बी फिक्स्ड एट ₹2,10,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें रिटायर कौन हुआ है बेटा, एक्स रिटायर हुआ है, तो एक्स के ऊपर मैं सर्कल लगा देता हूँ, एक्स रिटायर हुआ है, और वाई और जेड ने कैपिटल को फिक्स कर लिया है। वाई एंड जेड की जो कैपिटल फिक्स रहेगी वो कितनी रहेगी, 2,10,000 रुपये, जिसको कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करने वाले हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ वाई एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड बैलेंसेज ऑफ ₹1,45,000 एंड ₹63,000 रिस्पेक्टिवली। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू द पार्टनर्स। तो बेटा इसको अगर हम देखें तो ये हमें इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए मैं यहाँ जो है ना दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर देता हूँ, पार्टनर वाई और पार्टनर जेड के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में मैं केवल वाई और जेड का अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स तो रिटायर हो गया, और रिटायर हो गया तो उसके अकाउंट को हमने या तो पेड कर दिया होगा या लोन में डाल दिया होगा, उसका हमें यहाँ कुछ नहीं करना है फिलहाल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ये एडजस्टमेंट होने के बाद है, एडजस्टेड कैपिटल है। कौन सी एडजस्टेड कैपिटल, जिसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, गुडविल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट होने, सब एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आई वो आई मेरे पास 1,45,063 रुपये, 1,45,063 रुपये। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि वाई और जेड ने फिक्स किया कि उनकी कैपिटल जो है वो 2,10,000 रुपये होगी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। यहाँ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो बेटा बताइए जल्दी से कि वाई और जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन जाएगा नया, दैट विल बी वाई और जेड के लिए नया रेशियो हो जाएगा 2:1, क्योंकि अगर कुछ ना दे रखा हो तो हम ओल्ड रेशियो को ही उनको क्या मान लेते हैं, नया रेशियो मान लेते हैं। तो नए रेशियो में इनकी कैपिटल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये वाई और ये जेड इनकी जो है नई कैपिटल हम यहाँ लिख लेंगे, 2,10,000 रुपये में वाई का हिस्सा बनता है 2/3 और 2,10,000 में जेड का हिस्सा बनता है 1/3। तो ये हो गई बेटा 3/21 1,40,000 रुपये, और ये हो गई 3/21 170,000 रुपये। तो ये 40 और 70 इनकी नई कैपिटल है, और यहाँ पर ओल्ड जो कि हमने एडजस्टेड कर रखी थी वो कैपिटल हमारे पास कितनी है, 1,45,000 रुपये, और यहाँ पर है 63,000 रुपये। तो इनका डिफरेंस आप देख लीजिए क्या बनता है, क्योंकि डिफरेंस के बारे में लिखा है कि वो नगद लाएंगे और नगद ले जाएंगे। 1,40 तो बेटा नई बनती है और 1,45 पुरानी है, तो इसका मतलब ये 5,000 रुपये तो टेक आउट करेंगे फर्म से, ले जाएंगे, और ये 70 नई है, 63 पुरानी है, तो ये 7,000 रुपये ब्रिंग इन करेंगे, लेकर आएंगे। और लाने ले जाने की एंट्री मैंने आप लोगों को बताई है, अगर कोई पैसा लेकर आता तो लिख देते हैं बाय बैंक, और ये लेकर कौन आ रहा है, ये है वाई और ये है जेड, ये है वाई और ये है जेड। तो वाई जो है वो पैसा लेकर आएगा 7,000 रुपये, और जेड जो है वो पैसा लेकर जा रहा है, तो टू बैंक कर देंगे, कितने रुपये लेकर जा रहा है, सॉरी जेड जो है वो लेकर आ रहा है और वाई जो है वो लेकर जा रहा है, तो वाई 5,000 रुपये ले जाएगा। अब इनका टोटल कर लीजिए, ये बनते हैं 1,45, ये 70,000, और यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे 1,45 70,000, ये बच जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,40,000 और ये 70,000। तो ये हो गई इनकी कैपिटल की एडजस्टमेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो समझ में आया होगा। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में जो है करा देता हूँ, ये भी हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन है, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम चलेंगे बेटा डेथ ऑफ ए पार्टनर पर।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा है एबीसी पार्टनर है, 50% 30% 20% इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, बी रिटायर्ड हुए हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गुडविल रिवैल्यूएशन, उनकी कैपिटल है 1,90,000 1,50,000 रुपये और 80,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। तो ये जो बैलेंसेज मैंने यहाँ लिखे थे बेटा, ऐसे ही इनके बैलेंसेज हमें गिवन है। आगे दिया है इट वॉज डिसाइडेड दैट एंटायर सम पेबल टू बी इज टू बी ब्रोट इन बाय ए एंड सी इन सच अ वे दैट सो that make their capital proportionate to their profit sharing ratio and calculate the amount to be brought in by A and C and pass the entries for the same, also pass entry relating to payment to B। तो इसमें जो है एक बात और एक्स्ट्रा दे दी, यहाँ पर हमें देखिए एक्स का कोई अमाउंट दिया नहीं था, यहाँ पर हमें जो है एक्स्ट्रा में जो है एक पैसा और दे दिया, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी अमाउंट भी दी है कैपिटल की, और ये कह रहा है कि इनकी कैपिटल इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि उसकी पेमेंट हो जाए और ये जो पैसा लेकर आए वो उतना ही हो जितना कि उसको हमने पेमेंट करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है। 5.129 पर ये जो है हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। एबीसी पार्टनर है 50-30-20% में लाभानी बांटते हुए, एबीसी 50% 30% और 20% ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा। इसको जो है हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 5, 3 और 2 ये हमारा जो है रेशियो बन जाएगा। इस रेशो में वो लाभानी बांट रहे हैं। दिया है बी रिटायर्ड, बी ने रिटायरमेंट ले ली, ठीक है, बी पे सर्कल लगा दिया। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उनकी कैपिटल दी है, तो बेटा हम इसमें कैपिटल अकाउंट बनाकर इसको एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना देता हूँ। तीन पार्टनर है मेरे पास, ए बी सी, ए बी और ये सी, ए बी सी ये क्रेडिट साइड हो जाएगी और ये डेबिट साइड हो जाएगी, और ये मैं लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर्स। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिख दीजिए जो गिवन है हमें, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। देखिए क्या बैलेंसेज दिए हैं, ये दिए हैं 1,90,000 1,50,000 और 80,000 रुपये, 1,90,000 1,50,000 और 80,000 रुपये का बैलेंस में दिया है। उसके बाद लिखा है इट वॉज डिसाइडेड दैट एंटायर सम पेबल टू बी इज टू बी ब्रोट इन बाय ए एंड सी इन सच अ वे सो टू make their capital proportionate to their profit sharing ratio and calculate the amount to be brought in by A and C and pass the entries for the same, हमें एंट्री भी पास करनी है। तो बेटा बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो बी पार्टनर रिटायर हुआ है उसकी तो पेमेंट करनी है, और ए और सी की कैपिटल को क्या करना है एडजस्ट करना है। नया रेशो इसने हमें दिया नहीं है, तो नया रेशो नहीं दिया है तो बी के रिटायरमेंट के बाद ए का और सी का नया रेशो कितना बच जाएगा बेटा, 5:2। तो इस रेशो में इनकी कैपिटल को हमें एडजस्ट करना, किस तरीके से कि बी की पेमेंट हो जाए उनकी कैपिटल एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप वर्किंग नोट बना लेंगे, कि वर्किंग नोट जो है मैं यहाँ बना देता हूँ बेटा, देखिए वर्किंग नोट ये कहता है कि हमने बीज पेबल अमाउंट लिख लेते हैं, यहाँ पर पेबल अमाउंट कितनी है 1,50,000, ये देनी देनी है, प्लस कर देते हैं ए की और सी की कैपिटल, क्योंकि इनकी एडजस्ट करनी है। तो ये है 1,90,000 और ये है 80,000 रुपये, तो टोटल देख लीजिए कितना बनता है, 9 और 5 14 और 8 22 2 और 2 4 4,20,000 रुपये इनकी कैपिटल बनती है बेटा टोटल। अब 4,20,000 को हम क्या करेंगे, नए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो नया रेशो अगर बांट देते हैं तो न्यू कैपिटल जो है किसकी किसकी कितनी बनती है, बी तो रिटायर हुआ है तो ए की और सी की, 4:20 को 5:2 में बांटेंगे तो 7 से डिवाइड करें, 7×6=42 60,000 × 5×2 3,00,000 और 1,20,000 रुपये,
3 लाख और 1,20,000 रुपये इनकी नई कैपिटल बनती है। ओल्ड मुझे दे ही रखी थी, कितनी थी, 1,90,80, तो 1,90,000 और 80,000, ये इनके बीच में डिफरेंस हो जाएगा बेटा, डिफरेंस कर लीजिए। 3 लाख नई कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल 1,90,000 रुपये है, तो डिफरेंस में आया बेटा 1,10,000 रुपये ये लाएगा ब्रिंग इन, और ये 1,20,80 है तो 40,000 रुपये ये भी लाएगा ब्रिंग इन। अभी लेकर आएंगे तो हम एंट्री क्या करते हैं बेटा, बाय बैंक, पैसा लाने की एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सॉरी टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल, और जो है ए लेकर आया 1,10,000 रुपये और सी जो लेकर आया वो लेकर आया 40,000 रुपये। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि ये जितने रुपये लाएंगे उतने ही हमें बी को पेड करने, तो बी की पेमेंट थी 1,50,000 रुपये की, और ये 1,50,000 लाए हैं तो उसकी एंट्री कर देंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक करते हुए इसके अकाउंट में लिख देंगे 1,50,000 रुपये, तो इसकी पेमेंट हो जाएगी। अब बता जो है ना बचा लीजिए बैलेंस कितना बचेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये तो हो गया बेटा 3 लाख नई फर्म की कैपिटल, क्योंकि 3 लाख बनती है, और ये हो गया बेटा 1,20,000, यहाँ 1,20,000 कर दीजिए, टोटल कर दीजिए दोनों तरफ, आपका क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। टोटल करने पर पता लगा कि ये तो 3 लाख ही है हमारे पास, और ये भी हमारे 3 लाख ही बचे हैं बैलेंस में, ये हमारे पास बनते हैं 1,50,000, और ये हमने 1,50,000 की इसको पेमेंट कर दी, ये हमारे पास बनते हैं 1,20,000, और ये हमारे पास 1,20,000 का बैलेंस बचा। अब क्योंकि इसने हमें कहा है कि पास द जनरल एंट्रीज ऑल्सो, अब देखिए जनरल एंट्री किसकी करनी है बेटा, ये पार्टनर कैपिटल लेकर आए हैं तो मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, ये टोटल लेकर आया 1,50,000 जिसमें 1,10,000 लेकर आया ए और 40,000 लेकर आया बी, और क्योंकि हम सी जो है बी को सॉरी सी क्योंकि हम बी को पेमेंट कर रहे हैं तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पेमेंट टू बैंक कर देंगे इसको, दोनों जितने रुपए लेकर आए हैं उतने की इसको पेमेंट थी 1,50,000 रुपये की, 1,50,000 रुपये की नरेशन हम लिख देंगे अमाउंट पेड टू बी एंड ब्रिंग बाय ए एंड सी। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 54। चलिए चलते हैं अब हमने नए टॉपिक की तरफ, डेथ ऑफ ए पार्टनर। बेटा डेथ ऑफ ए पार्टनर में हम लोगों के सिलेबस में जो बचा है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो हम निकाल ही लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली बी पार्ट जो है यहाँ लिखा है, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, और दूसरा प्रॉफिट शेयर अप टू डेट ऑफ डेथ, ये दो टॉपिक हमें इस चैप्टर में सीखने हैं। आइए देखते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर, इस टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं उसके बाद हम चलते हैं। बेटा आपको जैसे पता है अब तक हमने क्या किया कि पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले रहा था, और रिटायरमेंट जो पार्टनर ले रहा था तो उसके हिस्से की कैलकुलेशंस करके हमने उसको या तो पेड किया पैसा या उसके अकाउंट को लोन अकाउंट में कन्वर्ट किया। लेकिन अब यदि कोई पार्टनर मर जाए तो उसको हम पहले तो देंगे क्या, वो किन किन चीज़ों के लिए एंटाइटल्ड होगा, वो यानी कि उसका एग्जीक्यूटर, उसका हायरर, क्योंकि वो तो मर चुका है, अब वो जो उसका पैसा बनेगा कैपिटल का, गुडविल का, प्रॉफिट का, लॉस का, जो भी पैसा उसके अकाउंट से हमें लेना या देना है, वो जितना भी टोटल बनेगा वो या तो हम उसके हायरर को देंगे, हायरर कोई भी हो सकता है, लीगल हायरर होना चाहिए, हो सकता है उसका बेटा हो, उसका भाई, उसके पिता, उसके माता, कोई भी हो, तो उसको जो पैसा देंगे तो क्या क्या पैसा देंगे उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर सकें। और बेसिकली क्योंकि आपको पता है सिलेबस में मैक्सिमम टॉपिक डिलीट हो चुके हैं तो हम केवल दो ही टॉपिक यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, एक तो जो पार्टनर मर गया उसके प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन और उसकी जनरल एंट्री, और दूसरा जो पार्टनर मर गया उसका जो है प्रॉफिट का शेयर किस किस बेस पे निकाला जाएगा, उन मेथड्स के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, और गुडविल की ट्रीटमेंट एंट्री कैसे की जाएगी, ये दो बातें हम यहाँ देखने वाले हैं। आइए देखते हैं डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि डेथ ऑफ पार्टनर में हम जो है पार्टनर को उसकी कैपिटल का शेयर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम उसको देंगे दैट विल बी कैपिटल का पोर्शन, जो कैपिटल बनती है, कैपिटल बैलेंस है उसका, वो उसको दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर बेटा यदि इस कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट अगर हमें देने के लिए कहा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम दे देंगे, और ये जो दिया जाएगा ये अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ के पोर्शन तक दिया जाएगा। तीसरा
अगर इनसे देने की बातें कर रहा हूँ अभी पार्टनर को, अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, यानी कि प्रॉफिट के बारे में बात करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट से होने वाले प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट दिया जाएगा। नंबर चार, अगर हम इसको देंगे तो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पहले से रखे हुए हैं तो उसमें इसका शेयर होगा, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ये इसको दिए जाएंगे। इनके अलावा अगर मान लीजिए गुडविल है फर्म की नई वैल्यूड, तो गुडविल में जो शेयर बनेगा वो दिया जाएगा, गुडविल शेयर ये हम इसको दे देंगे। इसके अलावा यदि किसी प्रकार का कोई अनदर आइटम है जो पार्टनर को दिया जाना चाहिए, एनी अदर आइटम जो इसको दिया जाना चाहिए टू बी क्रेडिटेड, जो होना चाहिए इसके अकाउंट में क्रेडिट, तो वो इसको हम दे देंगे। ये तो हुए बेटा जो इसके अकाउंट में हम क्रेडिट करने वाले आइटम हैं, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आइटम्स टू बी क्रेडिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं उन आइटम्स के बारे में जो डेबिट होंगे, आइटम्स टू बी डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मरने वाले पार्टनर के डेबिट में क्या क्या आइटम जाते हैं, तो बेटा इसके डेबिट में जाने वाले आइटम्स के बारे में अगर बात करें तो पहला आइटम हो सकता है रिवैल्यूएशन लॉस, दूसरा आइटम हो सकता है एक्यूमुलेटेड लॉस, तीसरा आइटम हो सकता है हमारा ओल्ड गुडविल शेयर, फोर्थ वन आइटम हो सकता है बेटा ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर ने की हो तो ड्रॉइंग्स ले लेंगे उससे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये भी हम उससे चार्ज कर लेंगे, और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई लॉस क्रिएट हुआ है अप टू डेट ऑफ डेथ तो वो शेयर हम उससे ले लेंगे। तो इस तरीके से जो हम उससे शेयर ले लेंगे और ये दे देंगे, तो क्योंकि ये पूरे का पूरा टॉपिक हमारे सिलेबस से नहीं हुआ है, तो इसमें से केवल हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस का हिस्सा कैसे निकाला जाएगा ऑन द टाइम बेसिस एंड ऑन द टर्नओवर बेसिस, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो गुडविल है, गुडविल की कैलकुलेशन का पार्ट जो है उसके अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। बेटा गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करूँ तो आप उसको जो है, जैसे पार्टनर रिटायरमेंट में हम करते हैं कि ओल्ड रेशो दिया है, नया रेशो दिया है, गेनिंग रेशो निकाल लें और गुडविल के शेयर को निकाल कर डिसीज पार्टनर के और गेनिंग रेशो में बांट दें, तो गुडविल के ट्रीटमेंट पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला, मैं बात करूँगा बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन अप टू डेट ऑफ डेथ टाइम बेसिस पर और टर्नओवर बेसिस पर। आइए देखते हैं कैसे कैसे निकाला जाता है। बेटा इसका टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस शेयर अप टू डेट ऑफ डेथ, मरने की तारीख तक उसके प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा। ये दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा, एक तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन टाइम बेसिस पर निकाल सकते हैं, एक हम निकाल सकते हैं बेटा ऑन टर्नओवर या सेल्स बेसिस। चलिए वन बाय वन देखते हैं इसके बारे में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैं इनके फॉर्मूले आपको बता दूं, उनको निकालने के लिए हम करते क्या हैं। अगर टाइम बेसिस की बात करते हैं तो बेटा जर्नली प्रॉफिट का हिस्सा हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, या आप ले सकते हैं इसमें एवरेज प्रॉफिट, या जैसे भी वो आपको कहे उस तरीके से। नॉर्मली हमें मिलता है एवरेज प्रॉफिट या लास्ट ईयर का प्रॉफिट, और हम मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको जो है अप टू डेट ऑफ डेथ टाइम से, टाइम मतलब अप टू डेट ऑफ डेथ, वो कब मरा उतने समय तक से हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, और मल्टीप्लाई करा देते हैं डिसीज्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयर से। बेटा ये मेथड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, इन दोनों में से हमें कोई एक मिलता है या जैसा भी हमें गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे, इनटू टाइम। टाइम का मतलब बेटा जब वो मरा तो उस वक्त तक वो कितने महीने के बाद मरा, यानी मान लीजिए 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं और 30 जून को मर गया,
तो अप्रैल मई और जून 3 महीने बाद मतलब 3/12। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो ये फर्म का प्रॉफिट माना जाएगा, सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट माना जाएगा, जिसमें कि डिसीज पार्टनर भी शामिल है, क्योंकि हमें केवल डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, तो इसलिए उसके शेयर से यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये मेरे पास निकल कर आएगा डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयर अप टू डेट ऑफ डेथ, किस बेसिस पर, टाइम बेसिस पर। अगर मैं बात करता हूँ बेटा सेल्स बेसिस पर, तो हमारा फॉर्मूला होता है लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल, ये हमें गिवन होती है अप टू डेट ऑफ डेथ, इनटू हम कर देंगे डिसीज्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयर। तो ये भी हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट और लॉस का शेयर निकल जाएगा मरने वाले पार्टनर का अप टू डेट ऑफ डेथ। अगर मैं इतनी बात करता हूँ तो ये बन गया फर्म का प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, और उसमें उसके हिस्से को मल्टीप्लाई करा दिया तो उसका हिस्सा हम यहाँ निकाल लेंगे। और दोनों केस में अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूँ, तो यदि बेटा आपको सिर्फ ओल्ड रेशो दिया है पार्टनर्स का और एक पार्टनर के मरने की इन्फॉर्मेशन दी और ये नहीं बताया कि नया रेशो क्या है, तो आप उस कंडीशन में जर्नल एंट्री होती है हमारी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट के केस में, एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ लॉस के केस में हम ये उल्टी एंट्री कर देते हैं, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर बेटा हमें दिया है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेते हैं। गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो में जो भी रेशो निकलता है और जो इसका हिस्सा बनता है प्रॉफिट और लॉस का अप टू डेट ऑफ डेथ तक, उसको हम उस रेशो में एंट्री पास कर देते हैं। और एंट्री हमारी क्या रहती है, एंट्री हम लोग करते हैं नॉर्मली गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग का मतलब है यहाँ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हम इनके प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके चलेंगे। बेटा मैं आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करता हूँ, एक लेक्चर हम और लेंगे इसके ऊपर और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको थोड़ा सा काम देता हूँ, आप जो है क्या करेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे इस टॉपिक पर, ट्राई करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 58 से, क्वेश्चन नंबर 58 से और क्वेश्चन नंबर 65 तक आप जो है इन क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे, ताकि आप थोड़ा सा आइडिया इनके बारे में ले सकें। और जो है कल की क्लास हम लेंगे वो इन्हीं पर लेंगे, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ, इसके बारे में हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप करिएगा, अगर कोई डाउट हो तो बेटा जैसे कि आपको पता ही है मेरा नंबर 9671925624, इस पर हम कैलकुलेशन अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टिल दैट हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।